नमस्कार। 73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे NDRF परिवार को बधाई देना चाहता हूं और NDRF परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। NDRF अपना ध्येय, अपना लक्ष्य मानता है आपदा सेवा सदैव, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इसी मोटो को पूरा करने के लिए वो पिछले दिनों कई आपदाओं के साथ जूझा है। साइक्लोन फोनी आया, साइक्लोन वायु, महालक्ष्मी एक्सप्रेस का पानी में फंस जाना, और हाल ही के दिनों में बाढ़ की स्थिति कई राज्यों में। इन सभी परिस्थितियों में NDRF ने आपदा सेवा सदैव के मोटो को चरितार्थ किया है और यथासंभव मेहनत करके जान माल की रक्षा की है। इसमें, इस परिप्रेक्ष्य में कई तरह के साधुवाद हमें प्राप्त हुए हैं और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर से भी हम लोगों को बहुत प्रेरणादायक शब्द मिले हैं। लेकिन सबसे प्रेरणादायक हमें आम जन का प्यार और सौहार्द जो मिला है, वही हमारे लिए पाथेय है और आगे भी इस को संजोकर हम लोग कार्य करते रहेंगे, सतत कार्य करते रहेंगे। इसीलिए पुनः मैं चार कविता के पंक्तियों से पुनः शुभकामना देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को NDRF परिवार की तरफ से। सेवा समर्पण का समेकित अक्षांश है यह, मनुष्य में निहित देवत्व का देवांश है यह, मानव दुख हरण को मानव ही हाथ बढ़ाए, NDRF के कर्तव्य का सारांश है यह। जय हिंद।